अस्सलाम वालेकुम जी, होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास है और मैंने प्लास्टिक सर्जरी में FCPS और यूरोपियन बोर्ड किया हुआ है और आजकल मैं लाहौर ही में प्रैक्टिस कर रहा हूँ MM आलम रोड पे हलसियान मेडिकल सेंटर में। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है। तो प्लास्टिक मीन्स मोल्ड, टू मोल्ड दी थिंग्स उसको। तो डिफरेंट इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं प्लास्टिक सर्जरी की, जिस तरह आप ज़्यादातर फेमिलियर हैं विद कॉस्मेटिक सर्जरी। एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, दूसरी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। सो कॉस्मेटिक सर्जरी में ज़्यादातर आप यूँ कह लें कि इसमें मिनिमल इन्वेसिव कॉस्मेटिक सर्जरी है और फिर प्रॉपर इन्वेसिव। मिनिमल इन्वेसिव में जिस तरह लेज़र हैं, डर्मोब्रेजन है, हाइड्रोफेशियल इज़ आल्सो टाइप ऑफ मिनिमल इन्वेसिव। और अगर आप इन्वेसिव की बात करें तो उसमें फिर डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर किस आप जो हम मोस्टली हम केसेस कर रहे हैं उसमें एब्डोमिनोप्लास्टी, ब्रेकियोप्लास्टी, फेसलिफ्ट, राइनोप्लास्टी, लाइपोसक्शन, लाइपोफिलिंग, फोरहेड लिफ्ट एंड अदर प्रोसीजर्स। दूसरी जो टाइप प्लास्टिक सर्जरी है वो रिकंस्ट्रक्टिव है, जिसमें पोस्ट ट्रामेटिक यानी किसी को ट्रामा हुआ, डिफेक्ट आ गया, उसको हम करेक्ट करते हैं। पोस्ट बर्न, जिस तरह बर्न है, एसिड बर्न है फेस का, हैंड्स का, अदर बॉडी पार्ट्स का, तो उसको हम करेक्ट करते हैं। और दूसरा है कंजेनिटल अनामलीस, जो कि जिसमें लिप क्लिफ्ट लिप आता है, पैलेट आता है, और हैंड्स की अनामलीज हैं जिसको हम करेक्ट करते हैं। एक और जो कॉमन टर्म आजकल यूज़ हो रही है वो है पोस्ट बेरियाट्रिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, यानी कि अगर किसी का वेट अबव 100 हो, अबीस मॉर्बिड अबीस हो, तो फिर हम पहले उसको बेरियाट्रिक सर्जन के पास रेफर करते हैं ताकि वो प्रोसीजर उधर से करवाएं, वेट रिडक्शन प्रोसीजर। और जब उनका वेट अकॉर्डिंग टू BMI आ जाए हमारे पास 24 to 25, तो फिर हम उसकी प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। तो आज हम हेयर रीग्रोथ पे थोड़ी सी बात करेंगे। मैं ज़रा डिस्कस वही करूँगा जो हम कर रहे हैं। एक तो डर्मेटोलॉजिस्ट अपनी प्रोसीजर, अपनी कुछ टॉपिकल मेडिसिन, ओरल मेडिसिन आपको देते होंगे। कुछ हम हैं कि हम मिनिमल इन्वेसिव हैं, जिस तरह PRP है हम करते हैं कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो हम आपका ही ब्लड निकालते हैं उसको प्रोसेस करके फिर इंजेक्ट करते हैं। उससे यह कि जो प्लेटलेट के अंदर फैक्टर्स होते हैं वो आपके हेयर को ग्रोथ करने में आपकी हेल्प करते हैं। जो दूसरा प्रोसीजर है वो ट्रांसप्लांटेशन है, यानी कि आपने सुना होगा नाम FUE और FUT, FUE फोलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जिनके हम एक एक बाल फोलिकुलर निकालते हैं पर एक एक हम आपको ट्रांसप्लांट करते हैं। और दूसरा जो है वो FUT है, फोलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट, जिसमें हम एक स्ट्रिप लेते हैं, फिर उसको हम फॉलिकल्स में कट करते हैं और फिर हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। दोनों प्रोसीजर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, कुछ लोगों में वो सूट करता है, कुछ में वो सूट करता है, तो ये आफ्टर असेसमेंट हम वो डिसाइड करते हैं। कॉमन प्रोसीजर्स प्लास्टिक सर्जरी जो हम कर रहे हैं आजकल, उसमें इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम राइनोप्लास्टी, तो उसमें प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है। जो मोस्टली हमारे पास पेशेंट आते हैं वो दो तीन उनकी मेन कंप्लेंट्स जो होती हैं, टिप को रिफाइन चाहते हैं कि थोड़ी सी पतली हो जाए, इसके अलावा जो हम्प है हम्प रिडक्शन हो जाए, और अगर थोड़ा सा टेढ़ा है, डेविएटेड है, तो वो सीधा हो जाए। तो इसमें हम फिर हमारे रिजल्ट हैं ज़रूरी हैं कि 100% हों, वो परसेंट टू परसेंट वेरी करते हैं। सम टाइम हम पेशेंट मे नीड सेकेंडरी सर्जरी आफ्टर ईयर एज वेल। सो दूसरा जो हम कॉमन प्रोसीजर करते हैं वो है लाइपोसक्शन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लाइपोसक्शन के लिए भी ज़रूरी है। लाइपोसक्शन इज़ नॉट अ वेट रिड्यूसिंग सर्जरी, या आप उससे कोई अपनी स्कल्पचरिंग नहीं कर सकेंगे अगर आपका वेट ज़्यादा है। अगर अकॉर्डिंग टू BMI आपका वेट अगर आपका है विद इन 24 BMI और आपकी हाइट और वेट समझे कि 65 to 70, तो बड़ा अच्छा आपके कंटूरिंग भी होगी लाइपोसक्शन से। लेकिन अगर वेट बहुत ज़्यादा है और वो, तो फिर उसमें आपको इतना एडवांटेज, तो पहले आप बेहतर है कि लाइपोसक्शन पहले वेट रिड्यूज़ करें। थर्ड प्रोसीजर है जो हम करते हैं लाइपोफिलिंग है, मोस्टली ऑन द फेस, ब्रेस्ट और बटक एरिया पे हम करते हैं कि आपकी फैट लेके हम उसको प्रोसेस करके फिर हम उसको इंजेक्ट करते हैं, जहां आपको समझते हैं कि ज़्यादातर लोग फेस की फिलिंग कराते हैं, क्योंकि विद एज जो है वो आप वॉल्यूम आपका लॉस होता है, तो आपको उसको वॉल्यूम को रिस्टोर करने के लिए, यूथफुल अपीयरेंस देने के लिए आप दोबारा, तो उसके भी अपने इतने डिसएडवांटेज, नो डाउट एवरी सर्जिकल प्रोसीजर हैज़ ड्रॉबैक्स, लेकिन उसके एडवांटेज ज़्यादा हैं। अब डिपेंड करेगा कितना टेक होता है, तो ये है। इसके अलावा हम जो कॉमन प्रोसीजर टमी टक, जिसको एब्डोमिनोप्लास्टी भी कहते हैं आगे, उसके कई वैरायटीज टाइप्स हैं, तो उसके लिए भी बेहतर होता है कि आपका वेट विद इन नॉर्मल लिमिट्स हो, ताकि आपका अच्छा वो रिजल्ट आए और कंटूरिंग हो। और बाज़ अवल एब्डोमिनोप्लास्टी के साथ ही हम लाइपोसक्शन भी कर देते हैं,
ठीक है जी, एब्डोमिनल फ्लैप्स की भी करते हैं और साइड्स की भी, ताकि वो एक आपकी कंटूरिंग आपकी अच्छी हो जाए। इसके अलावा हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन और दो हम दोनों ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए हम सिलिकॉन भी यूज़ करते हैं, इम्प्लांट्स भी, और हम फैट भी इंजेक्ट करते हैं। दोनों के अपने प्रोन्स एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। और इसके अलावा हम मास्टोपेक्सी भी करते हैं, ब्रेस्ट लिफ्टिंग और मास्टो ऑगमेंटेशन, यानी ब्रेस्ट को बड़ा भी करते हैं, साथ थोड़ा सा लिफ्ट भी कर सकते हैं और ब्रेस्ट रिडक्शन भी करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोसीजर हम कर रहे हैं, फेस लिफ्ट और फोरहेड लिफ्ट, इसके अलावा ब्लेफरोप्लास्टी अपर एंड लोअर लिप। तो इसमें रिजल्ट डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा वो है। तो इसके अपने फेस लिफ्ट इज़ अ वेरी गुड प्रोसीजर फॉर टाइटनिंग ऑफ, अगर आपके फेस पे ज़्यादा चेंजेस हैं, जिस तरह टोसिस और जाउल्स हैं, प्रोमिनेंट नेज़लोबी फोल्ड है, तो फिर आप एक्स्ट्रा स्किन है तो आप उसको फेस आपको लिफ्ट कर सकते हैं, साथ ही हम नेक भी लिफ्ट इसकी कर सकते हैं। इसके अगर आप आई बैग्स की बात करें तो वो ब्लेफरोप्लास्टी में आता है। आई बैग्स अगर ज़्यादा प्रोमिनेंट है समटाइम विद ब्लेफरोप्लास्टी वी हैव टू रिमूव द आई बैग्स, समटाइम अगर इतने हैं तो हम फिलिंग से भी कुछ फिलर से या फैट से भी हम अगर उसको इनकॉन्पिकस हम करते हैं ताकि ज़्यादा नज़र ना आए। बाकी अगर आप रिकन्स्ट्रक्शन की बात करें तो ऑल टाइप ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन वी आर डूइंग, बट मोस्टली हैंड पोस्ट ट्रामेटिक एंड पोस्ट बर्न कंट्रेक्चर्स एंड कंजेनिटल की अगर आप बात करें तो उसमें क्लेफ्ट लिप और पैलेट और वास्कोनोमलीस हम कर रहे हैं। और अगर आप करें पोस्ट ब्रियाटिक में तो इधर हमारे यहाँ तो नहीं है इतनी, लेकिन अगर आप गल्फ में जाएं तो उधर चूँकि वेट लोगों के बहुत ज़्यादा हैं, जब वो पोस्ट ब्रियाटिक सर्जरी कराते हैं तो उसके बाद आपका बॉडी थोड़ी सी स्किन लूज हो जाती है, टोसिस हो जाता है, जिस तरह ब्रेस्ट टोसिस, एब्डोमिनल टोसिस, तो फिर आप उनको यू हैव टू नीड टू लिफ्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। सो ब्रेस्ट के लिए भी मास्टोपेक्सी करनी पड़ती है, ब्रेकियोप्लास्टी करनी पड़ती है, बेसिकली वी हैव टू रिमूव द एक्सेस स्किन, फैट तो चली जाती है लेकिन बाकी जो स्किन है दैट डज नॉट रिट्रैक्ट प्रॉपरली, सो उसमें वो उसका टोसिस हो जाता है, लटक जाती है, तो उसको हमें वो फिर लिफ्टिंग करनी पड़ती है। तो उसमें ऑल टाइप स्टार्टिंग फ्रॉम फेस लिफ्ट टू आई मीन एब्डोमिनोप्लास्टी एंड लोअर बॉडी लिफ्ट हम उसमें करते हैं। तो फेशियल रिजुविनेशन को हम दो कैटेगरीज में, नॉन मिनिमल इन्वेसिव फेशियल रिजुविनेशन और इन्वेसिव रिजुविनेशन। तो मिनिमल इन्वेसिव में आता है, मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स में आता है, उसमें हम जिस तरह लेज़र, डर्मोब्रेशन, केमिकल पीलिंग, फिलर, बोटॉक्स और फैट फिलिंग। और जो इन्वेसिव में आते हैं उसमें फेस लिफ्ट, फोरहेड लिफ्ट एंड आईब्रो सर्जरी, आई लिड सर्जरी, इसको ब्लेफरोप्लास्टी भी आप कहते हैं, और इसके अलावा नेक लिफ्टिंग अलॉन्ग विद समटाइम हम कंबाइन कर देते हैं इन्वेसिव और मिनिमल इन्वेसिव को, जिस तरह फेस लिफ्ट के साथ हम लाइपोफिलिंग भी कर देते हैं तो कि वॉल्यूम भी रिस्टोर हो जाए और थोड़ी सी टाइटनिंग भी हो जाए। हाँ जी, तो जो कॉमनली हम प्रोसीजर इधर कर रहे हैं उसमें लाइपोसक्शन, लोग अक्सर पूछते हैं कि इससे तो वो क्योंकि वो बढ़ के आते हैं तो जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, हालांकि अल्लाह का शुक्र है कि ये बहुत रेयर, क्योंकि जब सर्जरी होती है तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज़ अ रेयर कॉम्प्लिकेशन, सो इट्स अ सेफ प्रोसीजर। इसी तरह हम एब्डोमिनोप्लास्टी करते हैं तो उसमें कोई वो सिर्फ जो कम्प्लिक मोस्टली होता है वो इन्फेक्शन समटाइम वो होता है। इसके अलावा हम राइनोप्लास्टी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फेक्शन 80-90% है। कुछ पेशेंट होते हैं जिनमें हमें दोबारा रिवीजन करनी पड़ती है समटाइम ड्यू टू, क्योंकि वो टिप की जो स्वेलिंग है या डिफरेंट, इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। सो कुछ लोगों में बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, कुछ में हमें दोबारा रिवीजन भी करनी पड़ती है। और फेस लिफ्ट के बड़े अच्छे हैं, नो बडी कंप्लेंट ऑफ एनी, इवन स्कॉर के बारे में कभी किसी ने नहीं वो कंप्लेंट किया। और ब्लेफरोप्लास्टी के रिजल्ट बड़े अच्छे हैं, स्पेशली अगर आपने आई बैग्स को रिमूव कराना है, जो स्कॉर है इसमें ब्लेफरो का कंसर्न नहीं है, आप देखेंगे विद इन आफ्टर 1-2 मंथ इट्स नॉट विजिबल। और इस तरह फोरहेड लिफ्ट के बड़े अच्छे हैं। और लाइपोसक्शन में हम जो जो स्कॉर होता है वो 2-3 mm का होता है, वो कभी भी आफ्टर 5-6 मंथ यू विल हार्डली नोटिस कि इसमें डॉट है एक,
अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन थ्रू मरहम ले सकते हैं, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है और बड़ा आपको फैसिलिटेट करेंगे।